Hello everyone, this is Giriraj Yadav. Today we are going to start new chapter, which is sixth chapter, squares. ठीक है, अब squares होते क्या हैं वो देख लेते हैं. ठीक है, एक तो shape में square आता है और एक किसी number का square. ठीक है, दोनों का जो root है वो same ही है. ठीक है, किसी भी number का square means, जैसे one square means the number multiplied itself. ठीक है, टू स्क्वायर मीन्स टू को टू से ही मल्टीप्लाई, थ्री स्क्वायर मीन्स थ्री को थ्री से ही मल्टीप्लाई करना है, फोर स्क्वायर मीन्स फोर मल्टीप्लाई फोर, फाइव स्क्वायर मीन्स फाइव मल्टीप्लाई बाई फाइव, एंड सिक्स स्क्वायर मीन्स सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स, सेवन स्क्वायर मीन्स सेवन मल्टीप्लाई सेवन, एट स्क्वायर मीन्स एट मल्टीप्लाई एट, एंड नाइन स्क्वायर नाइन मल्टीप्लाई नाइन, एंड टेन स्क्वायर इज टेन मल्टीप्लाई टेन. थर्टी तक तो तुमको स्क्वायर लिख के लर्न करने ही है. ठीक है, वो लर्न होने ही चाहिए थर्टी तक कम से कम. ठीक है, थर्टी नहीं तो ट्वेंटी तक तो होने ही होने चाहिए. ठीक है, चलो अभी देख लेते हैं. पहले वन का स्क्वायर देख लेते हैं. वन का स्क्वायर होता है वन, टू का स्क्वायर टू टू जै फोर, थ्री का स्क्वायर थ्री थ्री जै नाइन, फोर स्क्वायर फोर फोर जै सिक्सटीन, फाइव स्क्वायर फाइव फाइव जै ट्वेंटी फाइव, सिक्स स्क्वायर सिक्स सिक्स जै थर्टी सिक्स, सेवन स्क्वायर सेवन सेवन जै फोर्टी नाइन, एट स्क्वायर एट एट जै सिक्सटी फोर, नाइन स्क्वायर नाइन नाइन जै एटी वन, और टेन स्क्वायर टेन टेन जै हंड्रेड. ठीक है, तो ये हैं स्क्वायर्स. आगे अगर बात करोगे, जैसे 11 का स्क्वायर की बात करें अपन. ठीक है, तो 11 का स्क्वायर क्या होगा, 11 मल्टीप्लाई 11 वो होता है 121, 12 का स्क्वायर 12 मल्टीप्लाई 12 वो होता है 144, ऐसे ये होते हैं स्क्वायर्स. ठीक है, किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना वो है स्क्वायर. ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ नोटिस करने वाली है. जैसे अपन ने देखा वन के स्क्वायर में वन है, इलेवन का स्क्वायर 121 आ रहा है, तो यहाँ पे अपने एक चीज़ देख सकते हैं कि इसके लास्ट में वन आ रहा है. वन के स्क्वायर में, इलेवन के स्क्वायर में भी लास्ट में वन आ रहा है. अगर अपन 21 का स्क्वायर की बात करें तो 21 इंटू 21 वो होता है 441, उसके लास्ट में भी वन आ रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि यूनिट डिजिट पे जिसमें वन है लास्ट में उसके स्क्वायर के में वन आ रहा है, जिसके यूनिट डिजिट में टू है उसका स्क्वायर के लास्ट में फोर आएगा, थ्री में नाइन आएगा, फोर में सिक्स आएगा, फाइव में फाइव आएगा, सिक्स में सिक्स आएगा, सेवन के में नाइन आएगा, एट में फोर आएगा, नाइन में वन आएगा, जीरो वाले में डबल जीरो आएंगे. ठीक है, तो ये है नंबर वन चीज़. कोई भी स्क्वायर नंबर, ये इनकी बात कर रहा हूँ मैं, इनको बोलते हैं स्क्वायर नंबर. ठीक है, क्योंकि ये किसी न किसी नंबर के स्क्वायर हैं. कोई भी स्क्वायर नंबर, एक तो टू से, क्या किस कोई नंबर टू से एंड हो रहा है, नहीं हो रहा. स्क्वायर नंबर के लास्ट में कभी भी टू नहीं आएगा. ठीक है, और क्या क्या नहीं आएगा, थ्री नहीं आएगा, सेवन नहीं आएगा, एट नहीं आएगा. ये फोर नंबर्स तो हैं वो कभी नहीं आएंगे किसी भी स्क्वायर नंबर के एंड में. चाहे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल लो, एंड डिजिट टू थ्री सेवन एट में से कभी नहीं होगी. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई नंबर टू थ्री सेवन एट से एंड हो रहा है तो इसका मतलब वो स्क्वायर नंबर तो नहीं है, क्योंकि स्क्वायर नंबर टू थ्री सेवन एट से एंड होता ही नहीं है. ठीक है, और स्क्वायर नंबर वन जीरो से भी एंड नहीं होता, थ्री जीरो से भी एंड नहीं होता, और फाइव जीरो से भी एंड नहीं होता, डबल जीरो से हो सकता है, फोर जीरो से भी एंड हो सकता है, सिक्स जीरो से भी एंड हो सकता है. ठीक है, अच्छा और एक चीज़ और, जैसे ओड नंबर था, ओड नंबर के अपन ने देखे स्क्वायर, तो ओड नंबर के स्क्वायर ओड ही थे और इवन नंबर के स्क्वायर इवन थे. ठीक है, तो यहाँ कुछ चीज़ें सीखी अपन ने. एक तो मेन तो ये है कि टू थ्री सेवन एट से कभी भी स्क्वायर नंबर एंड नहीं हो सकता, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा जो टू थ्री सेवन एट से एंड हो रहा है. ठीक है, वन जीरो ट्रिपल जीरो और फाइव जीरो इनसे भी एंड नहीं हो सकता किसी नंबर का स्क्वायर. ठीक है, अच्छा और ओड नंबर का स्क्वायर ओड ही होता है. ठीक है, और फिर इवन का स्क्वायर इवन ही होता है. चलो फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज सोल्व करते हैं. फिर 6.1 पे आ जाते हैं. 6.1 में
क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है, ये जो कुछ नंबर्स गिवन है इनका स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है, तो स्क्वायर फाइंड करेंगे। चलो तो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। के वन का जैसे मैं ए वाला बता देता हूँ तो वो 14 है, ठीक है, 14 का स्क्वायर फाइंड करना है, मतलब 14 को 14 से ही मल्टीप्लाई कर दो, और ये रफ में कर लेना 14 को 14 से ही मल्टीप्लाई, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 196, ठीक है। बस तुमको जो नंबर गिवन है उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, जैसे फिर मैं बात करूँ 45 का, है ना, 45 का स्क्वायर निकालना है, तो 45 मल्टीप्लाई 45 और इसको करोगे तो 2025 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 2025, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 45 मल्टीप्लाई 45, 55 जा 25, 2 कैरी, 54 जा 20 और 222, ठीक है, चलो मल्टीप्लाई 4 से कर लेते हैं, 45 जा 20, 2, 44 जा 16, 218, तो ये हो गया 520 और ये 2025, ठीक है। ऐसे आपको सब ये सब के सब स्क्वायर निकालने हैं। जैसे डी वाला है 200 का, 200 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 200 मल्टीप्लाई 200, अब देखो 22 जाए तो 4 होता ही है, 40 आ जाएंगे, ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। तो ऐसे करके आपको सभी को मल्टीप्लाई करना है और आपको आंसर निकालना है, ठीक है। मल्टीप्लाई तो आई होप आपको अच्छे से आता होगा, ठीक है। फिर सेकंड वाला जो इसका क्वेश्चन है, सेकंड वाले क्वेश्चन में K2 वाला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द परफेक्ट स्क्वायर अमंग द फॉलोइंग नंबर्स, जो परफेक्ट स्क्वायर हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। अब परफेक्ट स्क्वायर मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि 2, 3, 7, 8, इन डिजिट से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर एंड नहीं होता है, कोई भी स्क्वायर नंबर एंड नहीं होता है। तो देखो इसमें बी वाला लास्ट में 2 आ रहा है, सी वाला लास्ट में 7 आ रहा है, एफ वाला लास्ट में 8 आ रहा है, और जी वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जी वाला क्यों नहीं है, क्योंकि 10 आ रहा है, सिंगल जीरो वाला स्क्वायर नंबर नहीं होता है। तो इन चारों में तो सीधा अपन एक लाइन लिख देना, क्या लाइन लिखोगे कि 2312 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट ends with 2, that's all, ठीक है। ऐसे C वाले में, F वाले में, G वाले में, तो ये चारों के चारों क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब बाकी जो बच गए, है ना, बाकी जो बच गए वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो तो देखते हैं, जैसे ये फर्स्ट वाला A वाला, है ना, K2 का A वाला 9285, अब ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं ये अपन देखेंगे ध्यान से, कैसे करना है अपने को ध्यान से देखना, ठीक है। 9285 है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। पहले ये देखो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, सीधा होगा किससे, 5 से, तो 5 से कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो 5 से कर लो, 5 × 5 कितना बचेगा फिर, 4, तो 42 हो गया, 5 × 8 = 40, फिर 28, 5 × 5 = 25 और 7 जो, ठीक है। अब किससे डिवाइड हो जाएगा ये, 3 से, 3 से कर दो, 3 से पहले भी हो रहा था वैसे, है ना, 3 × 6 = 18, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, 619, अब ये 609, 110 और 616, है ना। तो 3 से भी नहीं हो रहा ये, 2 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से करके देख लेते हैं, तो 7 × 8 = 56, 619 को 7 × 8 = 56, अच्छा 5 बच रहा है, 59 नहीं हो रहा, ठीक है, 7 से भी, 11 से भी नहीं होगा। तो ये एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये प्राइम नंबर है, ये अपने को थोड़ा आगे जाके पता चलेगा, ठीक है। कैसे पता चलेगा, अपन चाहे ऐसे ही चेक करते जाएंगे, 7 से चेक किया, फिर 11 से, फिर अपन चेक करेंगे 13 से, फिर 17 से, 19 से, ऐसे करते जाएंगे तो अपने को पता चलेगा कि ये वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये सॉरी प्राइम नंबर है ये, ठीक है, कंपोजिट नंबर नहीं है, किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये 619 से ही होगा, तो ये आ गया 0, 1, तो ये आ गया इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब 5 × 3 × 619। अब देखो ध्यान से, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, कोई भी नंबर है परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे मैं बोलूँ कि 64, 2 से डिवाइड करेंगे
32 आ गया, 2 से डिवाइड हो रहा है, ये तो 2 से ही होगा पूरा, है ना। बाकी जरूरी नहीं है वैसे पूरा नंबर एक ही नंबर से डिवाइड हो, मतलब 2 से ही हो, है ना। चलो देखो इसमें, तो इसमें क्या है, पेयर बन रहे हैं सबके, तो ऐसे नंबर जिनके प्राइम फैक्टराइजेशन में सारे के सारे पेयर बन जाते हैं उन नंबर को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि वो किसी न किसी नंबर के स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो बस अपने को ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अगर अपने को ऐसे सभी के पेयर मिल गए तो अपन बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अदरवाइज नहीं है। तो जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन में पेयर नहीं मिल रही है अपने को, सो दिस इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, एक्चुअल में ये जो K2 वाला क्वेश्चन में, इसमें कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, वो चेक कर लेना आप लोग। अच्छा, एक मैं बता देता हूँ आपको, ए वाला हो गया, बी सी हो गया, डी वाला बता देता हूँ। चलो ठीक है, तो डी वाले में शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, 2001 है, तो 2001 है वो 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, 3 6 जा 18, ठीक है, 2 बचेगा, फिर 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा, 3 7 जा 21। ठीक है, तो क्या आया, 6 6 7। अब ये वाला नंबर है वो किससे डिवाइड होगा ये चेक करेंगे अपन। 6 6 7 है वो, देखो ध्यान से देखो, 3 से तो डिवाइड, 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 से इसलिए नहीं होगी क्योंकि इनका जो सम है 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 19 आ रहा है इनका सम, है ना। तो 19 आ रहा है डिजिट्स का सम, तो 19 आ रहा है तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर बात करते हैं अपन, 5 से तो होगा ही नहीं, 7 से करके देख लेते हैं, 7 8 जा 56, 7 7 जा 7 9 जा 63, तो 3 3 नहीं होगा। ठीक है, तो ये सीधा जाके 23 से होगा, किससे होगा ये डिवाइड नंबर, ये वाला नंबर किससे डिवाइड होगा, 23 से। चलो 23 से ही इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, तो 23 2 जा 46, ठीक है, 20 और ये 7। ठीक है, तो फिर अब ये कितनी बार जाएगा, 23 की टेबल में लास्ट में 7 आ रहा है, तो 9 बार करके देख लो, 9 3 जा 27, 2 9 2 जा 18 और 2 20, तो आया अपना 29। और अपने को पता है 29 तो 29 से ही डिवाइड होता है, तो इसमें भी अपने को पेयर नहीं मिल रहे, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी प्राइम नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं K3 वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक इसका पार्ट बचा है, K2 का एक वाला पार्ट बचा है, वो आप लोग खुद कर लेना। ठीक है, 2 3 0 5, ये एक बार 5 से डिवाइड होगा, फिर 461 आएगा, और 461 फिर तुम्हारा है प्राइम नंबर। ठीक है, तो वो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। आगे बात करते हैं K3। K3 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द स्क्वायर्स ऑफ एन ओड नंबर, ओड नंबर का स्क्वायर कौन है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ओड नंबर का स्क्वायर ओड ही होता है और इवन का इवन ही होता है, तो इसमें से जो ओड नंबर है वो सारे ओड नंबर के स्क्वायर हैं। ठीक है, चलो तो इसमें अपना जो ऑप्शन है बी वाला, 121 इज द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर, बस हो गया अपना K3 वाला। K4 वाले की बात करते हैं, तो K4 वाले में पूछा है इवन नंबर के स्क्वायर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही होता है, तो जितने भी इवन नंबर है, जैसे इसमें 36 है और 400 है, इवन नंबर मतलब लास्ट में 0 2 4 6 8 आता हो, ठीक है, 400 है और 1 2 9 6 है, इज आर आएगा। ठीक है, आर द स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर। ठीक है, तो ये अपना K3 और K4 हो चुका है। K5 वाला क्वेश्चन है अपना ट्रू फॉल्स का है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, द स्क्वायर ऑफ 7 इज 36, ये तो अपने को पता है 7 का स्क्वायर 49 होता है, 36 पागल बना रहा है, फॉल्स है। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज एन ओड नंबर, ये ट्रू है, ये बताया मैंने अभी। ठीक है, ट्रू है, 154 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, 154 चेक कर लेते हैं, 154 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14, अब ये 7 से होगा 11, 11 से होगा, देखो पेयर ही नहीं बन रहे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, फॉल्स आएगा। 1 2 9 6, यस ये है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका अपन करके दिखा देता हूँ मैं। पहले 2 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे अगर तुमको कोई प्रॉब्लम है डिवाइड करने में डायरेक्ट, तो ऐसे डिवाइड कर लेना। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 से डिवाइड करेंगे, 6 जा 4 जा 8 जा,
टू से थ्री, टू फोर, टू से हो रहा है, टू वन जा सिक्स जा ट्वेल्व, टू टू जा फोर, टू एट जा वन जा, थ्री से होगा 27, थ्री से होगा 9, थ्री से होगा 3, थ्री से होगा 1। देखो इस टू का पेयर बन गया, एक ले लेंगे इसमें से, इस टू का पेयर बन गया, सॉरी इन टू का पेयर बन गया और इन टू का पेयर बन गया, इन थ्री का पेयर बन गया और इन थ्री का पेयर बन गया, थ्री थ्री जा 9, 9 टू जा 18, 18 टू जा 36, ये 36 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, किसी न किसी का स्क्वायर है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, सभी के पेयर बन चुके हैं, तो ये 1296 कैसा नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर, तो ये ट्रू आएगा। द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, ये तो गलत बात है, प्राइम नंबर का स्क्वायर प्राइम हो ये जरूरी नहीं है। देखो ध्यान से, जैसे 5 है, 5 प्राइम नंबर है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 तो प्राइम नहीं है क्योंकि 25 5 की टेबल में आता है ना, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद की टेबल में ही आते हैं, तो ये जो 5 है वो खुद की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता, लेकिन ये जो 25 है ये तो 5 की टेबल में भी आ रहा है, 25 की में भी आ रहा है, 1 की में भी आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है, तो ये फॉल्स आएगा, ठीक है, सीधा सीधा ये आएगा। अच्छा, के सिक्स वाला बोला है द लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा टू डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताओ, लार्जेस्ट नंबर बताओ जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। चलो तो स्क्वायर की बात करते हैं, वन का स्क्वायर वन होता है, टू का स्क्वायर फोर होता है, ऐसे चलते चलते अपन पहुंच जाते हैं नाइन के स्क्वायर पे, नाइन का स्क्वायर 81 होता है और टेन का स्क्वायर 100 होता है, तो टेन का स्क्वायर तो थ्री डिजिट का हो गया, ठीक है, टेन का स्क्वायर कितने डिजिट का हो गया, थ्री डिजिट का, तो अपन बात कर रहे हैं ओनली टू डिजिट का लार्जेस्ट, तो पता है अपने को 9 का स्क्वायर 81 इज द लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। के सेवन वाले की बात करते हैं द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, सबसे छोटा थ्री डिजिट का नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो अपन ने अभी देखा 10 का स्क्वायर 100 होता है और वो थ्री डिजिट का है सबसे छोटा, ठीक है, तो 100 अपना आंसर आ गया इसमें, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिर S1 वाला देखते हैं फिर कैसे करना है, S1 वाला अच्छा 56 का स्क्वायर, ठीक है, तो 56 का स्क्वायर अगर अपने को फाइंड करना है तो 56 मल्टीप्लाई 56 कर सकते हैं, लेकिन अपन दूसरे तरीके से भी इसका स्क्वायर करना सीखेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, क्या कहता है ये देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो 56 का स्क्वायर है, तो मैंने 56 को दो पार्ट में कर दिया, 50 + 6 कितना आ गया, 50 + 6 का होल स्क्वायर। अब कोई नंबर, कोई किसी चीज़ का होल स्क्वायर है मतलब दो बार मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने ये पूरा दो बार लिख दिया, 50 + 6 × 50 + 6। अब ऐसे ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई होते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट डायरेक्ट हटा दिया, ठीक है, तो डायरेक्ट अपन भी हटा देते हैं, फिर 50 को 50 से मल्टीप्लाई है ना, और 50 को 6 से भी करेंगे, हो गया 50 का काम खल्लास, ठीक है। अब 6 की बात करते हैं, तो ये 6 इस 50 से मल्टीप्लाई प्लस 6 × 6, ठीक है, क्या किया एक्चुअली, 50 को इससे मल्टीप्लाई किया, इससे भी किया, इस 6 को इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, बस अब सोल्व करना है, ठीक है, चलो तो कर दो, 50 × 50 क्या आएगा, 2500 प्लस 50 × 6 300 प्लस 6 × 50 300 प्लस 6 × 6 36, इन सबको कर देंगे ऐड, इन सबको क्या करेंगे ऐड, तो अपना आंसर आएगा कितना, ऐड कर लेते हैं तो लास्ट में तो अपना आएगा 6, फिर अपना आएगा 3, फिर अपना आएगा 336, 5, 6 और 5 कितना होता है 11, 1 कैरी, तो अपना आंसर आ गया 3136, ठीक है, कितना आ गया अपना आंसर 3136। एक बार शॉर्ट में दोबारा से देख लो, 56 का स्क्वायर है तो उसको 50 + 6 का होल स्क्वायर लिखा, इसको दो बार लिख दिया, 50 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 6 भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर दिया सबको अपना अलग अलग और इन सबको ऐड कर दिया, अपना आंसर आ गया 3136।
ठीक है। फिर आगे बात करते हैं एस टू वाला क्वेश्चन। एस टू वाले क्वेश्चन में राइट द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस बाय स्क्वायरिंग द फॉलोइंग नंबर, ठीक है। ये अपने को एक टेबल गिवन है बेसिक सी, ठीक है। इस टेबल में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके अपने को आंसर देने। जैसे अपन ने लिखा ये नंबर, नंबर गिवन है, नंबर का कॉलम है, ठीक है। बाकी सारे नंबर खुद लिख लेना। स्क्वायर ऑफ नंबर, तो इसका स्क्वायर यहाँ लिखना है। यूनिट डिजिट ऑफ नंबर और यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो पहले तो 89 का स्क्वायर निकाल लेते हैं अपन, 89 मल्टीप्लाई 89 करके, ठीक है। तो 99 जा 81, 1 8 आ गया, 98 जा 72 और 8 आ गया 80, ठीक है। 8 से करते हैं, 89 जा 72 7, 88 जा 64, 64 और 7 71। तो ये 1 आ गया, 2 आ गया, 9 आ गया 7, तो क्या आया अपना 7921। कितना आ गया 7921। चलो तो इधर तो स्क्वायर करके लिखना है तुमको। नेक्स्ट वाले कॉलम में यूनिट डिजिट लिखना है नंबर की, नंबर की यूनिट डिजिट है 9, ठीक है। फिर यूनिट डिजिट लिखना है इट्स स्क्वायर, स्क्वायर की यूनिट डिजिट जो की है 1। ऐसे करके इस टेबल को कंप्लीट करना है तुमको, ठीक है। अच्छा, एस थ्री वाला क्वेश्चन है, उसमें क्या है देखो। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग द नंबर ऑफ जीरोज इन द स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर्स, ठीक है। ये नंबर गिवन है अपने को और इनके स्क्वायर में कितने जीरोज आएंगे वो अपने को बताना है। तो अपन ने अभी देखा कि भाई 10 का स्क्वायर करते हैं, तो 10 का स्क्वायर, 10 में 10 है तो उसके स्क्वायर में डबल जीरो आते हैं। और करके देख लो, जैसे 200 का स्क्वायर किया अपन ने, तो 200 का स्क्वायर किया तो 2 2 4 और कितने जीरो आए, 40 आए, ठीक है। तो जिसमें 10 है उसमें 20 आएंगे उसके स्क्वायर में, और कोई किसी नंबर में 20 है एंड में तो उसके स्क्वायर में 40 आएंगे। तो इसमें देखो, फर्स्ट में नंबर गिवन है 10, तो 10 में 10 है तो उसके स्क्वायर में 20 आएगा, तो साइड में लिख देना 2, ठीक है। 110 में 20 आएंगे, 200 के स्क्वायर में 40 आएंगे, 2100 के स्क्वायर में 40 आएंगे, और 14000 में 30 हैं तो उसके स्क्वायर में 60 आएंगे, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं अपन एस फोर की। एस फोर वाला क्वेश्चन सेम अपना एस वन के जैसा है बस, ठीक है, एस वन के जैसा है। फिर भी बता देता हूँ, तो 125 का होल स्क्वायर, ठीक है, 125 का होल स्क्वायर है। तो कैसे करना है देखो, 3 पार्ट्स कर दिए इसमें, 120 और 5, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म के हिसाब से इसमें 3 पार्ट्स कर दिए, होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर है तो दो बार लिख दिया, 100 प्लस 20 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 20 प्लस 5, ठीक है। अब वो ही ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वैसे ही करना है अपने को, 100 को 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ आएगा 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस 100 को फिर 20 से, फिर 100 को 5 से, ठीक है। फिर बात करते हैं 20 की, तो 20 को पहले 100 से, फिर 20 को 20 से, और फिर 20 को 5 से, ठीक है। फिर बात करते हैं 5 की, तो 5 को 100 से, 5 को 20 से, और 5 को 5 से, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके अपने को बस ऐड करना है। तो 100 को 100 से करेंगे तो 40 आ जाएंगे, 100 को 20 से किया तो 2000 आएगा, 100 को 5 से किया तो 500 आएगा, प्लस 2000 प्लस ये आ गया 400, प्लस 20 को 5 से किया तो 100, ये 500, प्लस 5 मल्टीप्लाई 20 100, और प्लस 5 जा 25। इन सब को कर देंगे ऐड तो अपना आंसर आ जाएगा 15625, ठीक है। तो ऐसे अपन 125 का स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं अपन, दिख तो रहा है,
ओके आगे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन एस फाइव, ठीक है, एस फाइव वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। एस फाइव वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन तो इसी टाइप का है, लेकिन इसमें यूज फॉर्मूला का यूज़ करना है, आइडेंटिटी का यूज़ करना है, ठीक है, कैसे करना है चलो बताते हैं। क्या बोला है, यूज द फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी, ठीक है, ए सी लिख दो या इसको सी ए लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चलो फर्स्ट वाला मैं बता देता हूँ, 138 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 138 का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है। चलो तो थ्री पार्ट हो गए इसके, 100, एक हो गया 30, एक हो गया 8 और उसका हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। अब पिछली बार की तरह अपने को ब्रैकेट का यूज़ करके नहीं करना, अब की बार फॉर्मूला का यूज़ करना है, आइडेंटिटी का यूज़ करना है। आइडेंटिटी क्या बोल रही है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो, अगर कोई थ्री नंबर्स प्लस में हो और उनका होल स्क्वायर हो तो क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, टू से मल्टीप्लाई ए बी, टू से मल्टीप्लाई बी सी और टू से मल्टीप्लाई ए सी। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये ए है तुम्हारा, ये बी है और ये सी है। चलो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ए का स्क्वायर मतलब 100 का, बी स्क्वायर मीन्स 30 स्क्वायर, सी स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर, टू ए बी से मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू 100 इंटू 30, ठीक है, फिर 2 को बी सी से मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू 30 इंटू 8 प्लस, फिर 2 को ए सी से मल्टीप्लाई करना है तो 100 और 8, बस इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये 100 का स्क्वायर मतलब 100 मल्टीप्लाई 100 अपन ने पता है क्या आएगा, 40 आ जाएंगे, 30 का स्क्वायर मतलब 3 का 9 और 100 8 का 64, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू जा 6 और 30, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 थ्री जा 24, टू जा 24, 48, 480 आ गया। अच्छा फिर इनको मल्टीप्लाई करें, 8 to the 1600, इन सबको कर देंगे अब ऐड, ठीक है, इन सबको ऐड कर देंगे तो जो अपना आंसर है वो आ जाएगा 9044, ठीक है, कितना आ जाएगा अपना आंसर 9044, ऐड कर लेना, अपना आंसर आ चुका है। अब जो इसका सेकंड वाला बी वाला पार्ट है और सी वाला पार्ट है, इन दोनों को सोल्व और कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें से मैं एक ही बताऊंगा, एक क्वेश्चन आपको खुद को करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो बी है एक सी है, दोनों सेम ही है, ठीक है, तो मैं आपको कौन सा बताऊं, चलो मैं आपको सी वाला बता देता हूं। क्या है क्वेश्चन, 100x प्लस 10y प्लस जेड वेयर x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 3, जेड इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये करना है। चलो तो पहले तो x की वैल्यू 9 रखते हैं, तो ये बनेगा अपना 100 मल्टीप्लाई 9 प्लस 10 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 5 है, तो ये हो गया अपना 900 प्लस 30 प्लस 5, इसका मतलब है अपने को स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला रखते हैं, ये हो गया अपना ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ए का स्क्वायर मीन्स 900 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 30 का स्क्वायर और सी स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर अपना 2ab है मतलब 2 मल्टीप्लाई ए और बी है तुम्हारा 900 और 30 है ना, तो 900 मल्टीप्लाई 30 प्लस 2bc है तो 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 5, 2ac है तो 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 900, सी की 5, तो 900 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। चलो सोल्व करो, 900 का स्क्वायर करेंगे, 9 का तो पता है तुमको, 9 9 81 होता है, वो 00 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 40 आएंगे, ऐसे 30 के में क्या आएगा, 900, 5 का 25 प्लस
नाइन थ्री ज़ा 27, टू ज़ा 54, और ये 30 आ गया, प्लस 5 थ्री ज़ा 15, टू ज़ा 30, प्लस 9 फाइव ज़ा 45, टू ज़ा 9 फाइव ज़ा 45, टू ज़ा 90, और ये हो गया। ठीक है, एक बार 5 थ्री ज़ा 15, टू ज़ा 30, 300। ठीक है, तो अब इन सब को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, इन सब को ऐड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला तो है 8140, दूसरा है फिर 900, फिर है 25, फिर है 54,000, मतलब 1 2 3 0 4 5, और फिर 300, और फिर 9,000। सबको कर लेते हैं ऐड, तो ये 5 आया, ये 2 आया, 9 3 12, 2 1 कैरी, तो 9 4 13, 14, 4 वन कैरी, 5 6 7, और 8। तो क्या आया अपना आंसर, 8 7 4 2 2 5। सो दिस इज आवर आंसर, 8 7 4 2 2 5। ओके, ठीक है, एक बार दोबारा से देख लो। x की वैल्यू 9, तो ये 9 मल्टीप्लाई 100, 900 आ जाएगा। y की वैल्यू 3, तो 3 मल्टीप्लाई 10, 30 आ जाएगा। z की वैल्यू 5, तो ये 5 ही आ गया। ठीक है, तो 900 प्लस 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 इंटू ए की वैल्यू इंटू सी की वैल्यू। ठीक है, फिर 2 इंटू सॉरी ए की और बी की रखी यहाँ, और बी की और सी की यहाँ रखेंगे 30 और 5, और फिर 2 इंटू सी ए मतलब 900 और 5, एंड सबको मल्टीप्लाई करके फिर अपन ऐड कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।